नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बेल्स पाल्सी के ट्रीटमेंट लाइन के बारे में बात करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। एक कॉमन क्वेरी आ रहा है कि बेल्स पाल्सी होने के तुरंत बाद हम कौन सा ट्रीटमेंट प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन से ट्रीटमेंट प्लान में जा सकते हैं। बेल्स पाल्सी स्टार्ट होते ही आप लोग तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, आपको बहुत ज़रूरी है। इनिशियल स्टेज में मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। देन यू कैन स्टार्ट विथ फिजियोथेरेपी सेशंस, जिसमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर दिया जाता है फेस में, और एक्सरसाइजेस भी दिए जाते हैं फिजियोथेरेपी करवाते हुए। फिजियोथेरेपी आपको अगर रेफ़र किया हो या नहीं किया हो, तब भी आप अपनी तरफ से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू कैन डू एक्सरसाइजेज एट योर होम, घर पे भी रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहे, एंड मसाज कीजिए। मसाज टाइप जो मैंने अपने वीडियो में भी आप लोगों को दिखवाया है, वो सारे मसाज आप घर पे ही रेगुलर कर सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी आपके साथ शेयर किया हुआ है बेल्स पाल्सी एक्सरसाइजेस, वो भी आप घर पे कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें एक साथ अगर आप एड ऑन करके करते हैं, मेडिकेशन प्लस फिजियोथेरेपी जिसमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर दिया जाता है, एक्सरसाइजेस एंड होम एक्सरसाइजेस विथ मसाज, ये सारे अगर आप रेगुलरली अच्छे से फॉलो करेंगे, देन आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही फास्ट होगी। एंड कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि रेजिडुअल प्रॉब्लम रह जाता है, और उसका कारण ही यही रहता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान से शुरू नहीं करते हैं शुरुआती टाइम से। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स में अगर आप शुरुआती से ही प्रॉपरली फॉलो करें, तो बेल्स पाल्सी 100% रिकवर हो जाता है। थैंक यू। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा। और भी ऐसे सारे वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।